अब क्यों रुक गए? मुझ में तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं, अंधेरा छा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमजदा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें अमरियाकारों के मसनूई गमजदा चेहरे दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हो, बाबा का सामना करना मुश्किल है। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी, वो पूछेंगे नहीं कि अगर भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है तो इस पर खून के धब्बे क्यों नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो लोग हमेशा गुरुब आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे, आज देर कर दी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा। यहूदा, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? क्या हो गया?
हुआ है लावी। क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों लावी? बोलो ना लावी, यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊँ? चलिए है, मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ मेरे यूसुफ? कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। क्योंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापिस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता ना था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। यूसुफ के मदद का कोई जुलूस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रो या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मजार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। महोदय, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ है। लाने तो उन पेड़ों पर जिन्होंने उसे चीतार डाला। मैं तुम्हारे दांत को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िया के हमले के वक्त यही कुर्ता था? यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िया ने मेरे यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे हैं। नहीं,
नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा जहन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाकये में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है, तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल, तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया, अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें, बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है, बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق۔ سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں، تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے۔ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا۔ جانتا ہوں،
लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म व सितम फरजंदाने इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म व सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज व तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सों को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है, आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदावंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है। ऐ फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उसमें क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदाबंदी यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा,
अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ यानी रुसवाई यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बईद नहीं, तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है? जनाबे याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दुरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं, अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिना दरेक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और ये सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा, दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए, तलाश अभी और इसी वक्त में करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है? जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे, अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। मकफीला के रास्ते से चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा, उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अभी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ये वक्ती है, थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गया कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहाँ खड़े रहना बेकार है, चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं। Oh!
आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं, आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस तरह हाथ कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और शक्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ़े दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानन जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुष्ट करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हाँ करीब, मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूँ। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीख कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ, कुएं के अंदर हो या बाहर एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहाँ महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में है।
कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है, मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। खारे पानी का कुआं उस दर्द के पास है, वहां नहीं देखेंगे। जानता हूं, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदाए यक्ता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है, सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदाए यक्ता तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ बईद भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। यूसुफ, मैं
यूसुफ यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी फरार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था। खुदा याकूब नबी को सलामत रखे। अफसोस है कि यूसुफ की कोई खबर, कोई पता नहीं मिल सका। लगता है वो कनान में नहीं है, अगर होता तो जरूर मिल जाता। खुदावंद आप सबको जजाए खैर दे। आपने इतना भी अपनी कुव्वत और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा किया है। बस खुदा से दुआ करें कि जल्द मेरा यूसुफ मुझसे आ मिले। बच्चे आ गए, लेकिन यूसुफ की कोई खबर नहीं। मेरा भाई नहीं आया। क्या वो अब कभी नहीं आएगा? अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएगा, बस जरा सब्र से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा। याकूब की मदद फरमा।
दादा, याकूब पर रहम कर। वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।